हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब करने क्लिक बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेबी सीआईबी बैंक प्रमोशन से संबंधित हम यहाँ बात कर रहे हैं। जेबी का प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पार्ट थ्री। पहला सवाल देखे, व्हेन ए कंपनी इश्यू शेयर टू ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर विच इज नाइदर ए पब्लिक इश्यू नॉर ए राइट इश्यू इट इज कॉल्ड। बोलते हैं जब कंपनी इश्यू करता है शेयर एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए जो कि नहीं पब्लिक इश्यू में होता है नहीं राइट इश्यू में होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? बोनस इश्यू बोलेंगे या फिर राइट इश्यू बोलेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट प्लेसमेंट बोलेंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टारगेट्स विद इन प्रायोरिटी सेक्टर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है खास करके प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट के लिए? पहला ऑप्शन है कि वीकर सेक्शन टारगेट फॉर इंडियन बैंक इज 25% ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। दूसरा है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्रेडिट टारगेट फॉर फॉरेन बैंक इज 10% ऑफ एएनबीसी। फिर आपका सी ऑप्शन है एक्सपोर्ट क्रेडिट इज 12% ऑफ एएनबीसी फॉर इंडियन बैंक। चौथा ऑप्शन है आपके पास एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट इज 45% ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट फॉर इंडियन बैंक। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी बाकी सारे सही है, खाली सी वाला जो ऑप्शन है यहाँ सब ध्यान से देखिए, नॉट करेक्ट, सारे ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ डिस्कवर्ड प्राइस इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, जो कंसेप्ट डिस्कवर्ड प्राइस का ये यूज किया जाता है किस कंटेक्स्ट में? राइट इश्यू में, इनिशियल पब्लिक इश्यू में या फिर बुक बिल्डिंग इश्यू में या फिर बोनस इश्यू में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बुक बिल्डिंग इश्यू में ये यूज होता है। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फंड द इन्वेस्टमेंट इज मेड एक्सक्लूसिवली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बोलते किस तरह का टाइप ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किया जाता है? पहला ऑप्शन है लिक्विड फंड, दूसरा है गिल्ड फंड, तीसरा है सेक्टर स्पेसिफिक फंड, चौथा है इंडेक्स फंड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा गिल्ड फंड में किया जाता है। फिर इन द सब्सक्रिप्शन एंड रीपर्चेज इज अवेलेबल ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। पहला ऑप्शन है ग्रोथ फंड, दूसरा है आपका ओपन इंडेड फंड, तीसरा ऑप्शन है क्लोज इंडेड फंड, चौथा ऑप्शन है आपका डेप्ट ओरिएंटेड फंड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में ओपन इंडेड फंड। वेयर इज अ लीगल सेटअप ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज इन द फॉर्म ऑफ ए, जो आपका लीगल सेटअप है म्यूचुअल फंड का वो एक फॉर्म में है क्या चीज का? पहला ऑप्शन है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, दूसरा है ट्रस्ट, तीसरा पार्टनरशिप फॉर्म, चौथा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रस्ट। फिर है द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन अदर स्कीम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स सच फंड इज कॉल्ड। बोलते हैं जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं किसी दूसरे स्कीम्स में, ठीक है, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट म्यूचुअल फंड के हो, उस फंड को हम क्या बोलेंगे? तो पहला ऑप्शन है आपका इंडेक्स फंड, दूसरा गिल्ड फंड, तीसरा फंड ऑफ फंड, चौथा म्यूचुअल फंड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? फंड ऑफ फंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। बोलते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे? तो पहला ऑप्शन है प्रीमियम रेट फॉर प्रॉफिट, प्रीमियम रेट फॉर विथ प्रॉफिट पॉलिसी आर हायर देन द प्रीमियम फॉर विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी। दूसरा है द प्रीमियम रेट फॉर विथ प्रॉफिट पॉलिसी आर लोअर देन द प्रीमियम फॉर विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी। तीसरा है द प्रीमियम रेट फॉर विथ प्रॉफिट पॉलिसी आर इक्वल टू द प्रीमियम फॉर विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी। चौथा है नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, द प्रीमियम रेट फॉर विथ प्रॉफिट पॉलिसी आर हायर देन द प्रीमियम फॉर विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज की ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IRDA। बोलते हैं से कौन सा की ऑब्जेक्टिव था IRDA के एस्टेब्लिशमेंट में? पहला है कि टू हैव टाइट कंट्रोल ओवर इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंश्योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। दूसरा है कि टू प्रमोट मार्केट प्रोफिशिएंसी एंड टू डेवलप इंश्योरेंस मार्केट। तीसरा है आपका टू प्रमोट इंश्योरेंस मार्केट एफिशिएंसी एंड इंश्योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। चौथा है आपका ऑल द अबव। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टू प्रमोट इंश्योरेंस मार्केट एफिशिएंसी एंड इंश्योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सी ऑप्शन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज बैक्ड बाय ए लेटर ऑफ क्रेडिट। कौन सा इसमें ट्रांजेक्शन है जो लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा
किया जाता है या बैकअप किया हुआ उसको। पहला ऑप्शन है फैक्टरिंग, दूसरा फॉरफिटिंग, तीसरा सिपरेशन, चौथा है लीजिंग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फॉरफिटिंग, बी ऑप्शन। एक मेगा ऑफर है जो कि वैलिड है 23 सितंबर 2018 तक। हम आपको यहाँ पे जेबी और सेबी की कोर्सेज करवाते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उसके हेल्प से सारा वीडियो लेक्चर कोर्सेज आप कर सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो देख सकते हैं, 2000 का क्वेश्चन बैंक आप कर सकते हो, क्यू रिविजन नोट्स रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा। अगर आप कोई भी सिंगल जेबी सीआईबी या फिर बैंक प्रमोशन का पेपर खरीदते हैं, इसका दाम है 2000 रुपए, ऑफर प्राइस में 600 रुपए है। अगर आप जेबी का कॉमो पैक खरीदते हैं, तीनों पेपर एक साथ खरीदते हैं, इसका दाम है 4500 रुपए, ऑफर प्राइस है 1500 रुपए है। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर खरीदते हैं, ईबीएम प्लस डीएफएम, इसका दाम है 3500 रुपए, ऑफर प्राइस में 1100 रुपए है। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं, इसका दाम है 4500 रुपए, ऑफर प्राइस 1500 रुपए है। 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं, कोई पेपर का दाम है 199 रुपीज और कॉमो पैक मॉक टेस्ट का 399 रुपीज। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4 9 6 8 5 1 2 7, दूसरा नंबर है 7 8 2 7 5 4 6 9 4 6। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट है www.jivcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो गया seed@gmail.com।